हेलेन, उस घर से काफी धुआं निकल रहा है, क्या आग लगी है? घबराओ मत, सब सीढ़ियों से नीचे जाओ और वहीं रुको, फायर डिपार्टमेंट वाले आ ही रहे हैं। मिस लिंच, मैं अंदर आ रही हूँ। उसने इसे अवन में ही छोड़ दिया, मैगन आखिर है कहाँ? ओह डोना प्लीज, तुम भी नीचे जाकर वेट करोगी? मिस लिंच, मिस लिंच, क्या आप यहाँ हो? जोरी, तुम आज के शो के लिए तैयार होने में मदद करोगी? ये स्प्रिंग ब्रेक है क्या? इसी वजह से मैं सिंगल हूँ। ओके, सो मैं आज सबको अपना एक सीक्रेट बताना चाहूंगी। मुझे सीक्रेट्स पसंद है। हाँ, मुझे भी पता है। ओके, सीरियसली, मेरा सीक्रेट ये है कि आज मैं पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करूंगी। मैं पिछले कुछ समय से कॉमेडी कर रही हूँ और आप लोग मेरा काम देख सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक या टिंडर पर। मैंने आपको टिंडर पर देखा है। ओके, देखिए सर, जाहिर है कि आप इस बात से खुश हैं कि एक औरत आपके ऊपर इतना ध्यान दे रही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मजे करें। आज मैं अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ, जैसे कि मैं जैक्सन होल वायोमिंग की रहने वाली हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, शराब। तो सच तो ये है कि मैं एले इसलिए आई हूँ क्योंकि एक पागल मेरे पीछे पड़ गया था। हाँ, वो एक ऑनलाइन स्टॉकर था। एक मिनट, कहीं आप वही तो नहीं है मिस्टर? ओ या, आप इन्हें कब से जानती हैं? दरअसल ये मेरे हस्बैंड हैं। ओह, किस्मत की मारी। अच्छा छोड़िए, मैं एक मिनट के लिए आपका फोन देख सकती हूँ? मैं क्या कहूँ, सच में देखना है? हाँ, क्या उसमें कुछ डेटा है इम्पोर्टेंट? हाँ? आप कुछ छिपाना चाहते हैं? या हनी, या कम ऑन, ये लो। वाह, थैंक यू। ओके, मुझे कैसे पता होता किसकी स्क्रीन छोटी हुई है? ओके, चलो देखते हैं। सुंदर एनिवर्सरी पिक्चर्स हैं। बहुत शरीफ इंसान हैं आप उन्हें एक घटिया होटल में ले गए थे, राइट? ओके, ओह हे जी, मैंने एक फोटो भेजी है, तुम उसे स्क्रीन पर दिखा सकते हो? आप कोई पॉलिटिशियन है क्या? सॉरी। ये फोटो आपने किसे भेजी थी? मुझे, सिर्फ मुझे भेजी थी क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप पर गए थे। बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? बस करो, ये क्यूट है, मुझे लगता है ये क्यूट है। हम सबको ये फोटो क्यूट लगी है ना? खैर, आइए अपना फोन ले लीजिए प्लीज। इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू। ऑलराइट, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ एलिसा हैरल्सन, आप मुझे ऑल हेयर पर फॉलो कर सकते हैं, 3L है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। Thank you.
तो इनको जोरदार तालियां। और अब बारी है। क्या कहा तुमने? दिमाग खराब हो गया। वैसे तुमने अच्छा परफॉर्म किया। ओह थैंक्स मेरे दोस्त। अच्छा परफॉर्म किया। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? सुना था कि ड्रिंक्स वो पिला रहे हैं। बस एक बॉटल पानी दे दो। तो हुआ क्या था? खैर हुआ यूं कि हम तुम्हारे एक जोक पर हंस रहे थे और मैंने बहुत मासूमियत से उससे पूछा कि उसके फोन में ऐसी कोई राब्चिक तस्वीर है या नहीं। तो बस चपाक स्प्लैश। ऑनलाइन डेटिंग का यही प्रॉब्लम है। अच्छा जब तुम ऐसी हरकतें नहीं करते हो तब क्या करते हो? मैं हाई एंड होम थिएटर सिस्टम इंस्टॉल करता था मगर अब मैंने प्रॉपर्टी का काम भी शुरू कर दिया है। ओह रियली? क्यों तुम्हें 4K टीवी चाहिए क्या? नहीं असल में मुझे एक घर किराए पर चाहिए। अच्छी बात है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पीछे है। ओ अब वो बैठ के मुझे घूर रही होगी है ना? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो जाओ माफी मांग लो। तुमसे मिलके अच्छा लगा। सुनो अलेसा, मैं ओलिवर हूँ बाय द वे। तुमने यहाँ तक मेरा पीछा किया हैरानी नहीं हुई, लेकिन मेरा नाम कैसे पता? तुमने तो अपना नाम स्टेज पे 3 बार चिल्ला चिल्ला के बताया था। और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। ये देखो तुमने कहा था ना तुम्हें घर चाहिए, और मेरी नजर में एक घर है जो बढ़िया मोहल्ले में है, जो फौरन निकल जाना चाहिए था, मगर मकान मालिक थोड़ा सा चूजी है। वो बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर चुका है, पर मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। और अगर उसने तुम्हें अप्रूव कर दिया तो मैं किराए में डिस्काउंट दिलवा दूंगा या डिपॉजिट कम करवा दूंगा। तुम्हें खरीदना है क्या? खुशी हुई कि मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं अभी किसी भी महंगे इलाके में रहना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास उस घटिया से मोटेल में रहने लायक पैसे ही हैं, क्योंकि हम अभी काम ढूंढ रहे हैं। और कौन है? मैं और मेरी बिल्ली। ठीक है। वैसे सोच लो वो घर बहुत अच्छा है, और मैं भी उसी मोहल्ले में रहता हूँ, तो हो सकता है मैं ही मकान मालिक को पटा लूँ कि तुम्हें तुम बिल्कुल मेरी पुरानी किराएदार जैसी हो। ठंड बढ़ रही है। एनीवेज थैंक्स फॉर द ऑफर, अभी मुझे जाना होगा। अच्छा सुनो ओलिवर, जाकर उस लड़की से माफी मांग लो, वो बहुत क्यूट है। हाँ क्यूट तो बहुत है। ओके जो भी हो चले जाओ। 911 आपकी इमरजेंसी क्या है? हाँ कोई मेरे मोटेल रूम में घुसने की कोशिश कर रहा है। ओके रिलैक्स, हिम्मत से काम लीजिए। आपकी लोकेशन क्या है? मिस हमारे सिस्टम पर आपकी तरफ से कई कॉल्स आ रही हैं। आप ठीक तो हैं? मिस आप सुन रही हैं ना? हेलो हनी, प्लीज हनी मुझे अंदर आने दो। मिस कोई खतरा तो नहीं है? मैं आज भी चाबियां भूल गया। अगर कोई खतरा हो तो मुझे बताइए। नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी आपको परेशान किया। वाह ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैंने तो कहा ही था, हमने जैसे 5045 देखा है वैसे 2013 भी खाली है। लेकिन मैं यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं मकान मालकिन और उसके भाई को जानता हूँ। उनके कई घर मैं हैंडल करता हूँ, उनके घरों में मैंने फ्री वाईफाई और HD TV लगाए हैं, तो मुझे वो अपना ही समझते हैं। तो देखते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये जगह बहुत महंगी है। हम उनसे यहीं मिलने वाले हैं। ठीक है तो याद रखना, रॉबर्ट थोड़ा सा जजमेंटल किस्म का है। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट लगे तो घबराना मत, वो ऐसा ही इंसान है। पिछली बार मैं जिसे लाया था उसे तो रॉबर्ट ने देखा तक नहीं था और बस मना कर दिया था।
और अगर यहाँ बात नहीं बनी तो और बहुत सी ऐसी जगहें हैं। अच्छा, थोड़ा सा तुम्हें घर के बारे में बता देता हूँ। फिक्र मत करो ओलिवर, वो जो भी जानना चाहते हैं मैं सब बता दूंगी। हाय मिसेस फॉल्सवर्थ, रॉबर्ट, ये है एलिसा हैरिसन, वो किरायेदार जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था ना। बड़ा चिपको है ना, थोड़ा बहुत। मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तो मेरा भाई रॉबर्ट आपको घर दिखा देगा। मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारा नाम एलिसा है ना? हाँ। बड़ा ही सुंदर नाम है। थैंक यू। हाँ, तुमने सही कहा। ओके रॉबर्ट, मैं अभी जा रही हूँ। इसे वो नई वाली टाइल्स भी दिखा देना जो मैंने लगवाई हैं। दिखा दूंगा। ओलिवर ने तुम्हें यहाँ के सारे टेक्निकल अपग्रेड्स के बारे में तो बता ही दिया होगा। हाँ बिल्कुल बताया है, यहाँ पर फ्री वाईफाई है। यहाँ और भी बहुत कुछ है, इस तरफ आओ। अजीब पागल है। देखो एलिवेटर यहाँ पर है। सेकंड फ्लोर है ना, आप लोग चलिए, मैं सीढ़ियों से आती हूँ। ओके। हाय, क्या हम कभी मिले हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं मिले हैं। मैं 2013 में जा रही हूँ रॉबर्ट के पास, उसका घर देखने। हो 2013, ओके। हाँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? नहीं, जरूरत नहीं है। सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से मेरी सेहत ठीक रहती है। अगर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई तो हमारी मुलाकात होती रहेगी, मैं भी सीढ़ियाँ प्रेफर करती हूँ। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी एक साथी मिल जाएगा। बिल्कुल। ओप्स, सॉरी, दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ हाई सिक्योरिटी है। अच्छा। तो अब तुम घर देखना चाहोगे मिस हैरिसन? हाँ। आपका घर? ये देखो तुम्हारा घर। ओके, ये मास्टर फॉब है। तुम्हारी चाबी पर्सनली कोडेड होगी जिससे इस घर का दरवाजा, स्टेबल डोर्स और फ्रंट डोर खुलेगा, और हाँ गराज गेट भी। हमने इसे हाल ही में पेंट करवाया है। यह अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड है और ये सब तुम्हारा होगा अगर तुम चाहो तो। और जरा उस HD टीवी को तो देखो। ये घर तो आलीशान है, लेकिन पिछला किरायेदार क्यों चला गया? दरअसल मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि पिछली किरायेदार की मौत हो गई थी इसी घर में। कहीं उसकी हत्या वत्या तो नहीं हुई थी ना? ओह नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही खूबसूरत सी अच्छी सी लड़की थी। हाँ। मगर उदास रहती थी, उसके कई इमोशनल इश्यूज थे, बाद में उसने खुदकुशी कर ली। हाँ, बाथरूम में। मगर हमने बाथरूम को बिल्कुल नया बनवा दिया है, ऊपर से नीचे तक उसकी सफाई करवा दी है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अरे मेरे एक और क्लाइंट का मैसेज आ गया, मुझे उसे घर दिखाने जाना है, तो मैं निकलता हूँ। रॉबर्ट आप इन्हें घर दिखाइए, अच्छा सा डिस्काउंट दीजिएगा इन्हें। एलिसा, उम्मीद है हम पड़ोसी बन जाएंगे, फोन करना मुझे। जरूर। तो वो तो गया, अब ये बताओ कि तुम्हें ये घर कैसा लगा? घर बहुत सुंदर है, लेकिन क्या आप अपनी पिछले किरायेदार के बारे में कुछ बताएंगे? मेगन? हाँ। देखो मैं उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था। आई एम सॉरी। अच्छा सुनो एलिसा, अगर मैं तुमसे भी फ्रेंड्स एंड फैमिली रेंट रेट लूं तो कैसा रहेगा? आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी याद आ गई, जेन। ओ, क्या वो आपके साथ ही रहती है? नहीं नहीं, वो कॉलेज की पढ़ाई करने कहीं और गई है। मैं नहीं भेजना चाहता था, मैं तो उसे अपने घर के आसपास ही पढ़ाना चाहता था। हाँ मैं समझ सकती हूँ, मगर इस उम्र में हर नौजवान चाहता है कि वो बाहर जाए, दुनिया देखे, कुछ अलग करे, है ना? ओके, तो तुम्हारा क्या फैसला है? और मैं बता दूं, इन अपग्रेड्स की वजह से तुम्हें पूरे वेस्ट साइड में इतना सिक्योर कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, और मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत अपनी बेटी समझ कर करूंगा। क्या बात है, मैं तो यही रहूंगी। वंडरफुल। I think we started something, gonna tell the world.
ये लो अपने नए महल की चाबियां। ग्रेट। अरे हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, यहाँ एक इमरजेंसी बटन भी है। अगर तुम्हें कभी भी जरा भी डर लगे तो कॉम्प्लेक्स के किसी भी कोने से अगर तुम्हें बटन दबाओगी तो पुलिस को खबर मिल जाएगी। मैं तो मुरीद हो गई, दीवानी हो गई। क्या एक्चुअली ये एक पुराने गाने की लाइन है। हाँ, याद आ गया, बड़ी मजेदार बात है। अच्छा मैं सामान उठाने में मदद करूँ? सॉरी, इसे मैं उठा लेती हूँ, आप मेरा सूटकेस और फूल ले लीजिए। ठीक है। सनफ्लावर्स, मुझे ताज़ा फूल पसंद है, इन्हें देखकर इंसान अपने गम भूल जाता है। मतलब? नहीं, मैं यहाँ आकर गमगीन नहीं हुई हूँ, बस एक मिसाल दी है। सिक्योरिटी कैमरास? हाँ बिल्कुल, हमने इन्हें पूरे कॉम्प्लेक्स में बहुत सोच समझ कर लगवाया है। सही चीज। तुम्हारी बिल्ली का नाम जोड़ी है ना? मेरी मछली का नाम डेव था। वो बहुत देखो आदम, मेरी बात सुनो तो कि... बस हम तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाय रॉबर्ट। हेलो। हाय। हाय। रॉन्ग फ्लोर। चलो अब हम सामान घर के अंदर रख देते हैं। हाँ थैंक्स। हे मैन, फूलों को पानी में रख दूं? कार में फ्लावर वास है, किचन में भी एक पड़ा है। अच्छा वो जो कपल था, केटी और एडम, जो भी मिले थे, वो यहीं ऊपर रहते हैं। दोनों कई साल से बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर पाए। आपको ये सब कैसे पता चल जाता है? शक्ल देखकर इन बातों का पता लग जाता है, मगर असली सीक्रेट्स मैं कभी किसी को नहीं बताता। मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी। अच्छा मैं तुम्हारा बाकी का सामान भी ले आऊं? थोड़ी देर में ले आऊंगी, पहले जोड़ी को इस घर की आदत डलवा देती हूँ। वैसे मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? देखिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन एले आने की मेरी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई मेरे पीछे पड़ गया था। वाकई? हाँ, उसे पता चल गया था कि मैं जैक्सन के यहाँ काम करती हूँ। उसके बाद उसने मुझे कुछ डिस्टर्बिंग मैसेजेस भेजे, तो मैं उसी रात एले चली आई। मैं 5 बार अपने नंबर बदल चुकी हूँ, लेकिन वो हर बार पता लगा लेता है। कोई फायदा नहीं हो। यहाँ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस बिल्डिंग में मेरी या मेरी बहन हेलेन की नजरों से कोई बचकर नहीं आ सकता। तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। थैंक यू। ओके, अब तुम आराम करो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। जरूर। ओके, टेक केयर। यू टू। ऑलराइट जोड़ी, कम ऑन, बाहर आओ। कैसा लग रहा है, घर पसंद आया? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सॉरी। क्या सब ठीक ठाक?
हाँ मैं बस थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाहर जा रही हो? हाँ बस कुछ सामान लेना है, मार्केट तक जा रही हूँ। यहाँ कोई आसपास मार्केट तो होगी? हाँ हाँ मुझे भी जाना ही था, कुछ सामान लेना है, तो क्या कहती हो साथ में चलें, दिखाता हूँ तुम्हें। ओके तो चलो। वाओ ये तो सचमुच बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ सब कुछ है। खैर अगर तुम चाहो तो ये हम हमेशा साथ में कर सकते हैं। क्या यहाँ ग्रोसरी स्टोर में? नहीं मेरा मतलब हाँ ये भी, मगर एक डेट पे तो जा ही सकते हैं ना। ओ मुझे सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, समझ रहे हो ना? मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। ओलिवो सैम, ओ माय गॉड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाय बाय। मैंने तुम्हें फोन किया था पर तुम्हारा फोन आउट ऑफ रीच था। तुम्हें भी तंग जगह पसंद नहीं है ना? एक्सक्यूज मी सॉरी मैं पर्सनली ही हो रही हूँ, तुम्हें कभी एलिवेटर से आते जाते नहीं देखा इसलिए पूछा। हाँ मुझे एलिवेटर्स पसंद नहीं आते क्योंकि मुझे घुटन महसूस होती है। मुझे भी यही लगा था। मेरा नाम है केटी 301। मैं एलिसा, मैं ठीक तुम्हारे नीचे वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। ओह माय गॉड मेघन के साथ बड़ा बुरा हादसा हुआ था, तुमने हमारा झगड़ा तो नहीं सुना ना? बस वो अंडरवेयर वाली बात सुनी थी। अच्छा वो वाली। मैं और आदम बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हे अगर वो कभी तुमसे मिले तो उसे स्मोकिंग की बात मत बताना। डोंट वरी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। जोरी रॉबर्ट, तुम्हें वो फूल पसंद आया ना? मैं तो डर गई थी। अच्छा तुम्हारा नया मैट्रेस भी आ गया है, मैं उसे लॉबी में नहीं छोड़ सकता था, आग लगने का खतरा था, इसलिए मैंने पुराने वाले को हटाकर नया वाला बिछा दिया है। और हाँ वो नया कम्फर्टर और फूल मेरे और चेन की तरफ से गिफ्ट है। देखिए ये सब मुझे पसंद नहीं है। देखो मैं तुम्हारे बेडरूम में नहीं गया। अच्छा मैं चेन को तुम्हारे बारे में बता रहा था, उसने ही तुम्हारे लिए वो कम्फर्टर मंगवाया है, उसकी पसंद का है। और हाँ तुम्हारा बिस्तर हेलेन ने लगाया है, तुम फिक्र मत करो। ये सब जरा भी पसंद नहीं है मुझे। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। नहीं रॉबर्ट सॉरी बाय। हाय सही टाइमिंग है ना? मैं कह नहीं सकती, आइए अंदर आइए। यहाँ सब कुछ ठीक ही लग रहा है। आई एम सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस अभी तो मैं बस यहाँ स्मोक डिटेक्टर्स चेक करने के लिए आया था। सही काम कर रहे हैं? इस मामले में टाइमिंग सही थी। ओह नहीं इतने सुंदर फूल मुरझा रहे हैं। अब इन्हें फेंकना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए रॉबर्ट मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे पूछे बिना मेरे घर के अंदर आए, भले ही वो आपकी बहन हो या आप ही क्यों ना हो। आई एम सॉरी मैं मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी अब कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ देखिए इस बात का ध्यान रखिए। हाँ आई एम सॉरी मैंने गलत किया, मगर मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। थैंक यू
hey, मैं एक बात कहूँ, मेरे दिल में कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं आपको लंच पर ले जाना चाहती हूँ, उस क्विल्ट के लिए। नहीं, मैंने जो किया वो गलत था। अरे भूल जाइए, चलिए बहुत भूख लगी है। एलिसा, यहाँ पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। अच्छा, तो आप ही सेना में थे? हाँ, सेना में था, डेजर्ट स्टॉर्म में लड़ा भी था। ओह माय गॉड, मेरे डैड भी थे। आप लोगों के लिए कुछ और लाऊं? एलिसा, आपके पास मिमोसा मिलता है क्या? हाँ है ना, अभी लाती हूँ। एलिसा, मेरा मन। कम ऑन। ओके, खैर, गल्फ से लौटने के बाद मैंने सोचा कि अब परिवार बसा लिया जाए, तभी जेन का जन्म हुआ। हाँ, तुम्हारे डैड कहाँ है? जंग में उनकी मौत हो गई, वहां पहुंचने के बाद ही उनके काफिले पर हमला हुआ था, उन्हें सम्मानित भी किया गया था। दुख की बात है। एलिसा, रॉबर्ट, व्हाट्स अप गाइस? हे, आओ तुम भी बैठो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये रहे आपके मिमोसा। थैंक यू। आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? अरे ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे भी ला देंगी एक ऐसा ही ड्रिंक? शाम तो हो ही गई है, पी सकते हैं। तुम मेरा वाला ही ड्रिंक ले लो, क्योंकि मुझे अब काम पर जाना है। अरे नहीं, आप बाद में चले जाइए ना। मैं निकलूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज, तुम दोनों बैठो, एंजॉय। और हाँ एलिसा, तुम्हारे डैड के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। थैंक यू। और ये क्या माजरा था? मैं उन्हें बता रही थी कि पहले गल्फ वॉर में मेरे डैड मारे गए थे, शायद इस बात से वो दुखी हो गए। एलिसा, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं। इट्स ओके, वो शायद अपनी बेटी के बिना अकेलापन महसूस करते हैं। रॉबर्ट की एक बेटी भी है क्या? मुझे पता ही नहीं था। रॉबर्ट की बीवी ने उसे छोड़ दिया और डिवोर्स ने उसे बर्बाद कर दिया, बस तभी से वो अपनी बहन के साथ रह रहा है और बिल्डिंग को मैनेज कर रहा है। रॉबर्ट, तुम आ गए? हाँ हेलन, मैं आ गया, वक्त पर आ गया। यहाँ आओ। मैंने तुम्हें जो काम दिए थे वो हो गए? हाँ लगभग। कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, वो इतने भी जरूरी काम नहीं थे, मगर कर लेना। तुमने खाना खाया? हाँ हेलन, खा लिया। कहाँ, किसके साथ? 2013 वाली नई किरायेदार एलिसा के साथ। वो तुम्हारी बेटी बनने के लायक तो नहीं है। शट अप। तुम्हारी दुखती रग को छेड़ दिया क्या मैंने? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, अब तुम भी कुछ खा लो और सो जाओ, क्योंकि शराब के नशे में तुम बहकने लगी हो फिर से। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ, मैं इस हालत में फार्मेसी से तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आऊं क्या? उसकी क्या जरूरत है? फोन आया था, कह रहे थे 2 महीनों से तुमने अपनी दवाइयाँ नहीं ली हैं। तो क्या हुआ? और तुम मेरी बात कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम दवाई नहीं लोगे तो क्या होगा, अपनी एक्स वाइफ से पूछ लो। दरवाजा तोड़ना चाहते हो क्या? ओके। बात नहीं कर सकती, प्लीज अपना मैसेज छोड़ दीजिए। हाय जेन, मैं तुम्हारा डैड। मैंने थैंक्स गिविंग के लिए तुम्हारी पसंद की हर चीज मंगवाई है, और सुनो, मैं बहुत खुश हूं कि इस बार तुम अपनी
मॉम के साथ नहीं मेरे साथ थैंक्सगिविंग मनाओगी। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना भी चाहता हूँ। वो कमाल की लड़की है, तुम्हें भी पसंद आएगी। अब जल्दी आ जाओ। आई मिस यू बेटा, लव यू, बाय बाय। रॉबर्ट, मैं बाहर जा रही हूँ, अपनी दवाई ले लेना। ठीक है हेलन। सब और आगे नहीं। क्या? मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ गलत सोचो। ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे घर के अंदर आने के बारे में। तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, यहीं रुको। मैंने तुम्हें वाइन पिलाने और खाना खिलाने का वादा किया है। चलो बढ़िया है। मैंने कोई और वादा नहीं किया है। ओके, तो तुम्हें लगता है मैं और भी कुछ चाहता हूँ? मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिल गए। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तुम इससे दूर ही रहना। रॉबर्ट, तुम ये क्या कर रहे हो? हेलन, ये क्या है? बताओ ये क्या है, मुझे भी देखना है। इसे मुझे दो। हेलन, एक बार फिर से सोच लो, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम पागल हो गए हो। ये सब तुम्हारी दवाई ना लेने का असर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हेलन, तुम गलत समझ रही हो। ये एलिसा की सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी? उसकी सेफ्टी? हाँ। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। हेलन, जेन को फोन मत करना, उसे मत बताना। जेन को फोन ना करूं? ओह, अब मैं समझ गई। तुम जानते हो, अब तो मैं उसे ही फोन करूंगी। प्लीज, मैं जेन को फोन करके रहूंगी। नहीं, मत करो, वो नहीं समझ पाएगी। ओह नो नो, वो सब समझ जाएगी और मैं जो भी कहूंगी उसे सब अच्छा लगेगा। हेलन, रुको रुको। नहीं, मैं जेन को फोन करूंगी। हेलो जेन, मैं तुम्हारी वो हेलन। मत करो। हेलन हेलन हेलन, उठो। हेलन, आंखें खोलो, ये तुमने खुद किया है। मैंने मना किया था। रॉबर्ट, मेरी मदद करो। तुमने खुद किया है, अब तुम ही भुगतो। प्लीज, तुमने मुझे मजबूर किया। जेन एलिसा को देखकर खुश हो जाएगी, तुम देख लेना। ये क्लिनिक डॉक्टर जॉन वाल्डेज का है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप 911 पर फोन करें।
अलविदा। I'm sorry. Actually, sorry तो नहीं। बस वो कभी कभी, दरअसल मुझे आदत नहीं है इस तरह की। ऐसा तुम कह रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा यहीं रुको, मैं दूसरी बॉटल लेकर आती हूँ। अरे यार क्या हुआ? मेरी फेवरेट टी शर्ट थी, देखो खराब हो गई। बुरा ना माना तो धो लूं उसे। नो क्या हुआ? अरे भाई तुम हंस क्यों रही हो? मैं सब समझती हूँ, मेरे 15 साल का हाई स्कूल का बॉयफ्रेंड भी यही करता था। अब तो तुम गए, चलो निकलो निकलो। ओके उसने ऐसे ही किया था क्या? हाँ। उसका काम बना था? नहीं, गेट आउट। जा रहा हूँ। वाह। हाय रॉबर्ट, क्या चल रहा है? वाइन गिर गई। अरे मैं जानता हूँ तुम औरतों के मामले में कितने नीच हो, लेकिन एलिसा से दूर ही रहना, वो एक अच्छी लड़की है। तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त ही बने रहना, वरना हम सो जाएं। ये क्विल्ट कितनी कंफर्टेबल है ना। हूँ मैं अभी बात नहीं कर सकती, इसलिए आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको फोन कर लूँगी, शायद नहीं भी करूँ। hey, मैं बाहर से पॉल बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने एक्ट के लिए थोड़ा और समय चाहिए, मगर यहाँ का एक बारटेंडर चला गया है। मैं ये जानना चाहता था कि क्या तुम उसकी जगह बारटेंडिंग करोगी। तुम अच्छे पैसे भी कमा सकती हो और साथ ही तुम्हें स्टेज टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा। कल आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। मैं दोपहर तक पहुँच जाऊँगा, जब मर्जी हो आ जाना। ओके बाय। Thank you.
आ जाओ कीति कीति। केटी, ओ माय गॉड, क्या हो गया? कुछ नहीं। वाकई? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताना चाहोगी? एडम से फिर झगड़ा हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी गलती मेरी है। मैंने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक। हाँ, मुझे नौकरी मिल गई है। असल में दो जॉब्स हैं। अच्छी बात है। हाँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और रॉबर्ट भी बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, वो तो है। क्यों, कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अगर तुम्हारे साथ अच्छे हैं तो ठीक है। मुझे पूरी बात बताओगी? रॉबर्ट पुराने किरायेदार मेगन के बहुत करीब था। वो काफी डिप्रेस्ड रहती थी तो रॉबर्ट की कंपनी उसे पसंद थी और उनकी दोस्ती दोनों के लिए अच्छी थी। मगर उसकी मौत के बाद वो घर रॉबर्ट ने काफी समय तक खाली रखा था। ये तो बहुत अजीब बात है। वो तो कह रहे थे कि वो उसे जानते नहीं थे। किसी ने तुम्हें बताया कि तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो? क्या मतलब? रुको, मैं दिखाती हूँ। देखो, मैंने भी किसी से सुना है इसलिए मुझे पक्का नहीं मालूम है, लेकिन कहते हैं कि बीवी से तलाक होने के बाद उसकी बीवी को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिला था। अच्छा, इसलिए वो अपनी बहन के पास चला आया। तलाक बहुत बुरा होता है। हाँ, पता नहीं, मेरे साथ तो रॉबर्ट का व्यवहार बहुत अच्छा है। शायद लोनली फील करते हैं। वो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें बस अपनी सीमाएं तय कर लेनी चाहिए। हाँ। जोरी, 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 ओ माय गॉड। रॉबर्ट, तुम यहाँ कैसे? तुमने एलिसा से मेरे बारे में जो भी कहा है, जाके कहो कि तुमने झूठ कहा। मेरी बीवी को कभी भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं मिले, समझी? बकवास बंद करो। सुनो। और जब कान खोल कर सुनो, उससे कहो कि मेरा और मेरी बीवी का सेपरेशन रजामंदी से हुआ था। मेरी बात दिमाग में घुस गई ना, अच्छी तरह से समझ लो, वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा कि तुम मां बन सकती हो। तुम्हारा पहले अबॉर्शन हुआ है। तुम्हें ये किसने बताया? मैं और भी कई राज जानता हूँ। दीवारों के भी कान होते हैं, समझी? अब वही करो जो मैंने कहा, और अगर नहीं किया तो एडम के पास इस बात के पुख्ता सबूत पहुंच जाएंगे कि तुम मां बन सकती हो। उसके बाद क्या होगा तुम जानती हो। मेरी बात समझ गई ना? हे, मैंने ये अभी देखा। उम्मीद है तुम्हें जोड़ी जल्द मिल जाए। या, थैंक्स। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? देखो, घबराओ मत, वो मिल जाएगी। मुझे दिल से लगता है वो मिलेगी। देखते हैं। और मैं माफी मांगना चाहता था उस रात अजीब सी हरकतें करने के लिए। जाने दो। और मैं जोड़ी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। सचमुच? हाँ, और आज वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है और मजा आएगा, है ना? क्या कहती हो, एक दोस्त की तरह? मुझे भी खुशी होगी। तो ठीक है, फिर 10 मिनट में नीचे मिलता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उन्हें लेकर नीचे आती हूँ। तो ठीक है फिर, बढ़िया। थैंक यू।
एलिसा, हे, मैंने तुम्हें यूट्यूब पर देखा था। क्या आपने मेरी बिल्ली को देखा है क्या? नहीं, क्यों? बालकनी का दरवाजा खुला रह गया था, वो मिल नहीं रही। ओह नो, फिक्र मत करो, वो आ जाएगी। कोई और मदद चाहिए? हाँ, आप इसे लिफ्ट में लगा देंगे? ये लीजिए टेप। ओके, मैं बिल्डिंग में सबको बता दूंगा। हेलेन को भी बता देंगे? हाँ, लेकिन हेलेन को अचानक काम से बाहर जाना पड़ा। सब ठीक तो है ना? नहीं, हमारी नानी गिर गई तो उनकी कमर टूट गई है। ओह नो, आई एम सो सॉरी। नहीं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हेलेन कुछ दिन उनके पास रहेंगी। जानती हो, जाने के पहले हेलेन ने ये टिकट्स खरीदे थे, देखो, कॉमेडियन वेंडी लीबमैन के शो के। अब वो तो नानी के पास गई है, तो मैंने सोचा अगर हम दोनों चलें तो। वाह, मैं जरूर चलती, थैंक यू। लेकिन मैं ओलिवर के साथ जोड़ी को ढूंढने जा रही हूँ। ओह अच्छा, तुम ओलिवर के साथ जा रही हो? हाँ, जोड़ी को ढूंढने जा रही हूँ, इसलिए। यकीन नहीं हो रहा कि तुम ओलिवर के साथ जा रही हो, वो अच्छा आदमी नहीं है। देखिए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मगर वो अच्छा आदमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। तो अब आप मुझे बताएंगे मेरे लिए क्या सही है? बस कीजिए, आप तो मेरे डैड जैसी हरकतें कर रहे हैं, मुझे ये सब नहीं पसंद है, प्लीज। बाद में मिलते हैं। सॉरी जेन, सॉरी। हे, क्या हो गया? मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, चलो जोड़ी को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो आओ, गाड़ी में बैठो। अगर वो मिल जाए तो इस नंबर पर फोन कर लीजिएगा। थैंक यू। वो हमें जरूर मिलेगी, देखना, हम हार नहीं मानेंगे। पर यहाँ पास ही एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत ही बढ़िया फिश टाकोज मिलते हैं, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। जोड़ी आखिर चली कहाँ गई? अरे, जोड़ी तो बिल्ली है ना, बिल्लियों को तो फिश पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोड़ी उसी रेस्टोरेंट में बैठकर फिश टाकोज खा रही हो? कम ऑन। हाँ, जल्दी मिलते हैं। ओके भाई। आप एक मिनट दरवाजा पकड़ लेंगे? जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपको पता है ओलिवर हॉल किस फ्लैट में रहती है? रेडी। हाँ। ओह माय गॉड, बहुत टेस्टी है ना? बहुत बढ़िया। जोड़ी हमें जरूर मिल जाएगी, हो सकता है रॉबर्ट के साथ वो कॉमेडी शो देखने गई हो, वो जब वापस आएंगे दोनों दोस्त बन जाएंगे। क्यों नहीं। ओके, मैं एक स्टॉकर से बचने के लिए भागी थी और अपने परिवार से दूर रहना चाहती थी। रॉबर्ट बड़े चिपकू हैं, लगता है कि वो मेरे नए डैड बनना चाहते हैं। रॉबर्ट की अपनी बेटी है तो? हाँ, अब समझे कि वो सिर्फ छुट्टियों में क्यों आती है। कहीं उन्होंने तुम्हें मेरे साथ जाने से मना तो नहीं किया? लड़कियों के बाप लड़कों से दूर रखते हैं उन्हें। हाँ, सही कहा। तुम जानते हो ना कि जिस किनारे अपनी बेटी को ज्यादा मना करते तो वो क्या करती है? क्या? तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? उस तरफ। देखो मैं नहीं। मुझे कुछ मुंह बंद रखो, मुझे कुछ कहना है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। ओह गॉड। अरे, क्या हुआ? मैंने कहा था ना अपना मुंह बंद रखो। पर मैं तो कुछ भी नहीं बोला। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो मैंने कब कहा कि जल्दबाजी करो? वेल, अगर ये स्लो है तब तो फास्ट आउट ऑफ कंट्रोल ही होगा। मैं जा रही हूँ। तो तुम कभी वापस आओगी? आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी ही फिर से फिश टाकोस खाएंगे। हाँ, मैं भी। तुमने तो कहा था जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा तो पटाखा थी।
तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड? माफ कीजिएगा, क्या कह रही हैं? तुम नहीं जानते हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रही हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ, अब तुम आजाद हो। ओलिवर, कोई मिलने आया है। ग्रेट। अलिसा। रियली? तुम गलत समझ रही हो। अपना मुंह बंद रखो। अलिसा। ओह हाय। हे, तुम्हें तुम्हारी बिल्ली मिली? नहीं। फिक्र मत करो, आ जाएगी। हो सकता है उसे कोई और घर मिल गया हो, ज्यादा प्यार करने वाला। शायद तुम सही कह रही हो। देखो, मैंने रॉबर्ट के बारे में जो भी कहा वो सच नहीं था, सिर्फ अफवाह थी। अफवाह थी? हाँ, मैं एडम से झगड़े के बाद बहुत गुस्से में थी, तो इसलिए। सच कहूँ तो रॉबर्ट का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा है, वो मेरे डैड जैसे हैं। चलो अच्छा है कि तुमने आज खुद ही बता दिया, क्योंकि उस रोज उन्होंने मुझे ओलिवर के बारे में बताया था कि वो सही आदमी नहीं है, और आज उनकी बात सच साबित हो गई है। ये तो अच्छा हुआ। आज मैं स्टैंड अप शो करूंगी, चाहो तो आ सकती हूँ। आना तो चाहती हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं है। ओके, मुझे जाना होगा। आई होप तुम्हारी बिल्ली मिल जाए। थैंक यू। अगर आपको फोन देखूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आप क्या कहते हैं, आपका फोन देख सकती हूँ? ओके, अब आप मेरी जान ले लेंगे। ओके ओके, कोई बता सकता है कि ILY का क्या मतलब होता है? आई लव यू। आई लव यू टू, थैंक यू सो मच। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं ना? हाँ। आप बता सकते हैं कि आपके बीच एज डिफरेंस क्या है? मैं 7 साल बड़ी हूँ। 7 साल? हाँ। खैर, 7 साल तो ज्यादा नहीं होते, बस 7 साल की बेटी। अच्छा कर रही है ना? अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा आप लोगों के हिसाब से एज गैप कितना होना चाहिए? 3 से 4 साल। 20? यू, किसी ने 20 साल कहा? गॉड, इतना अंतर कैसे चलेगा? हाँ, अब मेरी भी जिंदगी में एक फादर फिगर टाइप इंसान आ गए हैं, मुझे तो यही लगता है। वो असल में मेरे लैंडलॉर्ड हैं। ऑकवर्ड? हाँ, शायद उन्होंने ही 20 साल का अंतर कहा था, शायद ऐसा मुझे लग रहा हो, लेकिन मैं अपने डैड की उम्र के इंसान के साथ नहीं सो सकती। कुछ लोगों को लगता है कि फादर फिगर टाइप बनना अच्छी बात है, लेकिन नहीं, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज जिम जाओ। मैं ऐसे ही किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती, उसे खुद को साबित करना हो, भले वो पार्किंग अटेंडेंट हो। प्लीज खुद को साबित तो करो। और अब उम्र की भी तो एक लिमिट होनी चाहिए, राइट? आप जरूरत से ज्यादा मीठे नहीं बन सकते जबकि आपको खुद डायबिटीज है। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, राइट? वैसे भी बूढ़ों में कौन इंटरेस्ट लेगा, है ना? हाँ, सचमुच मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं तो यही मानती हूँ कि जो मुझे टेक्स्ट नहीं कर सकता वो मेरे साथ सेक्स क्या करेगा। आज तो तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू। तुम्हारे डैड को तुम पर गर्व होगा। क्या? हाँ, वो आए थे यहाँ, एक बुजुर्ग आदमी कोट पहने हुए। दिस इज रॉबर्ट, मैं अभी बात नहीं कर सकता, जरूरी काम हो तो मैसेज छोड़ दीजिए। रॉबर्ट, हे, मैं एलिसा हूँ।
मुझे खुशी है कि आज आप मेरा शो देखने आए थे, मगर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, कुछ भी पर्सनल नहीं था प्लीज। तो बस इतना ही कहना था, प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। मैं ही आयल वाई हूँ। तुम? नहीं, तुम तो ओलिवर की गर्लफ्रेंड हो। वो सब तुम्हारे लिए किया था। हमारे लिए? वो तुम्हारे लिए सही आदमी नहीं है। उसकी तो किस्मत अच्छी है जो मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। सिर्फ मैं ही हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रह सकती है। I love you, Alyssa. ओलिवर तुम्हारा दिल तोड़ देगा। नहीं, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती थी। तुम पागल हो। नहीं, मैं अब तक इसलिए इंतजार कर रही थी कि मैं तुमसे सही वक्त पर मिल सकूं। और जब मुझे तुम्हारा ईमेल मिला तब मैं समझ गई कि तुम्हें एहसास हो चुका है। कौन सा ईमेल? किस बात का एहसास? कि तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो, हमेशा के लिए। रॉबर्ट, अब सब ठीक है। कहानी खत्म। मैंने उसे चाकू निकालते देख लिया था, इसलिए मैंने उसे मारा। आखिर वो घर में आई कैसे? मैं एक्चुअली घर का दरवाजा खुला रखती हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरी बिल्ली गायब है, इसलिए। ओह माय गॉड, ये सब मेरी गलती है। नहीं एलिसा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सही कह रहे, आपकी कोई गलती नहीं है। जब आप घर में ना हो तो खिड़की दरवाजों को बंद कर देना चाहिए। किसी के घर पे घुसना एक क्रिमिनल का ही काम होता है। आप लकी हैं। तो आप कह रही थी कि आप सैम को नहीं जानती? नहीं, मैं तो उसे ओलिवर की गर्लफ्रेंड समझ रही थी। ओलिवर हॉल, वो भी इसी बिल्डिंग में एक किराया। हम जानते हैं वो कौन है। ऐसा लग रहा है कि सैम यानी समांथा बैरी यही है जो आपका पीछा कर रही थी। वो आपका पीछा करते हुए वायमिंग से यहाँ आई थी। आपका उससे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं। ओलिवर तो ठीक है? हाँ वो ठीक है, हमारा एक डिटेक्टिव है उसके साथ। आप मुझसे कुछ और तो नहीं पूछना चाहते डिटेक्टिव? नहीं, फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड डे। तुम ठीक हो? हाँ, इन सब के लिए थैंक यू सो मच रॉब। मुझे तुम्हारा घर में अकेले रहना पसंद नहीं है। हे, एक बात कहूं, मैं तो भूल ही गया था, आने वाले थर्सडे को थैंक्स गिविंग है और जेन का बर्थडे भी है, इसलिए हम दोनों को एक साथ सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं। तुम भी साथ रहोगी तो बहुत मजा आएगा, जेन भी आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। जो भी कुछ हुआ उससे लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मेरा दिल किया तो जरूर आऊंगी, मैं आपको बता दूंगी। कोई बात नहीं, मगर हाँ, मैंने तुम्हें इनवाइट कर दिया। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा।
ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट. बारटेंडर को टिप जरूर दे, मतलब कि मुझे. तो दोस्तों, एलिसा हैरल्डसन के लिए जोरदार तालियां. तुम्हारा शो बहुत ही मजेदार है. मेरे शो शोज देखे हैं, उन्हें आप कह सकते हैं एक अपकमिंग लेजेंड. तो अब परफॉर्म करने वाले हैं टॉम विन. मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं टॉम के लिए. क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मुंह पर ड्रिंक फेंककर सारी दुनिया को बता दूं? नहीं, ऐसा मत करना. I'm just sorry. जानती हूं. इट्स ओके. उम्मीद है हम फिर से दोस्त बने. Get lost and I'll find in the dark. Just breathing, just breathing. Robert, क्या हुआ? Oh, कुछ नहीं. मैं गहरी नींद में था, जागा तो कंट्रोल नहीं कर पाया. मैं फिसल गया और कंधे में मोच आ गई. Oh, I'm so sorry. नहीं, कुछ नहीं हुआ. बस यह कि मेरी शान को धब्बा लगने वाला है. हेलेन यहाँ है नहीं, मैं घायल हूँ. हम दोनों मिलकर सारे काम कर लेते थे, मगर अब पता नहीं क्या करूंगा. और जेन का केक, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बनेगा. केक मैं ले आऊंगी. अच्छा, तुम आ रही हो? हाँ, मैं केक भी ले आऊंगी. उसे कौन सा केक पसंद है? कोई भी. उसे तो कोई भी केक पसंद है, किसे नहीं होता. तुम अपनी पसंद का ले आना बस. और जानती हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम आ रही हो. Happy Thanksgiving, Oliver. Happy Thanksgiving. तो क्या कर रही हो आज? Actually, मैं रॉबर्ट के घर जा रही हूँ उनकी फैमिली के साथ Thanksgiving मनाने. उनकी बेटी जेन भी आ रही है और उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी. तो बहुत अच्छी बात है. हाँ, तुम क्या कर रहे हो? ऑलिवर आज Thanksgiving कहाँ मनाने वाला है? बस अकेले अकेले मना रहा हूँ, और क्या. ओ. नहीं नहीं, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं. दरअसल मुझे अकेले होने की जरूरत थी और लगता है मुझे इससे फायदा होगा, और आज के लिए यही सही लग रहा है. पर देखो, अगर तुम चाहो तो अगले हफ्ते हम लोग फिश टाकोस खाने जा सकते हैं. हाँ, आइडिया अच्छा है. अपना ध्यान रखना. सेम टू यू. हेलो. ओ, आ जाओ एलिसा. वाह, घर तो बहुत सुंदर सजाया है. थैंक यू. आ जाओ, आराम से बैठ जाओ और थोड़ी वाइन पी लो. तुम्हें व्हाइट वाइन पसंद है? हाँ, व्हाइट इज फाइन. ग्रेट. मैं केक लेकर आई हूँ. ठीक है, उसे टेबल पर बिल्कुल बीच में रख दो. मुझे बस दो मिनट दे दो, मैं आ रहा हूँ. मैं फूल भी लेकर आई हूँ. शायद इनकी जरूरत थी नहीं. बहुत ज्यादा ले आई हो क्या? शायद ज्यादा फूल है. मैं कोई काम करूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा. तुम आराम से बैठो. अगर कुछ खाने का मन हो तो खा लो. अभी टर्की को बनने में 45 मिनट और लगेंगे. सब लोग आ गए हैं क्या? ओह माय गुडनेस, ये केक, ये तो कमाल का है. शायद जेन को पसंद आएगा. थैंक यू. तुमने वाइन पिया नहीं? हाँ पी है, बहुत टेस्टी है. वैसे बाकी सब कहाँ हैं? आज शायद सिर्फ हम दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे. क्यों, क्या हो गया? मैंने बताया था ना कि हेलेन नानी को देखने गई, उनका एक्सीडेंट हो गया था. हाँ, गिर गई थी ना. उनका पैर टूट गया था. उम्र हो गई है काफी, इसलिए उन्हें ठीक होने में काफी वक्त लग रहा है. उनके ठीक होने तक हेलेन को वहीं रुकना पड़ेगा. उनकी कमर टूटी थी ना. कमर? हाँ. वाह, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है जेन. एलिस. इससे मुझे याद आया, जेन कहाँ है? ओ, तुम्हें यकीन नहीं होगा, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई.
ए, तुम व्हाइट पी रही हो, मैं रेड पीता हूँ। यहाँ तो गिफ्ट्स रखे हैं, क्या ये सबके लिए हैं? मेरी फैमिली में किसी के बर्थडे पर सबको प्रेजेंट दिया जाता है, ले लो, तुम्हें पसंद आएगा। कुछ खास नहीं है, पर मैं दिल से लाया हूँ। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। रुको, मैं पहना देता हूँ। तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। चीयर्स। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? हो सकता है जेन का हो। सही कहा। हाँ बोलो, क्या बात है बेका? रॉबर्ट, मैं गैराज में हूँ, ये एक इमरजेंसी है। गेट नहीं खुल पा रहा है और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे 20 मिनट में LAX पहुँचना है। अब तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, वरना मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ओके, मैं आ रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, गैराज में फंस गई है। मैं उसे निकाल कर अभी वापस आता हूँ। मैं भी आऊँ? नहीं नहीं, तुम यहीं रहो और एंजॉय करो। मैं जल्द ही आ जाऊंगा जेन, आई प्रॉमिस। जी नहीं आलसा। ओलिवर के नाम का ऑर्डर प्लीज। बस दो मिनट में लाती हूँ, आप वहाँ बैठ जाइए। केटी। ओह, हे ओलिवर। हैप्पी थैंक्सगिविंग। शायद नहीं, मैं और एडम सेपरेट हो चुके हैं, तलाक होने वाला है। वाओ, सुन के बहुत बुरा लगा, उम्मीद है सब ठीक हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टर्की सैंडविच आपका है? तुम भी? अकेला? हाँ। मुझे लगा था तुम और एलिसा साथ हो। हाँ, पर हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद तो लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, पर अब चीजें सुधर रही हैं। तो वो तुम्हारे साथ थैंक्सगिविंग नहीं मना रही है? नहीं, वो रॉबर्ट और उसकी बेटी के साथ। बेटी? ओलिवर, रॉबर्ट की कोई बेटी नहीं है। अभी तो नहीं है। एक मिनट, तुम क्या कहना चाह रही हो? ये कैसे हो सकता है? उसकी मौत हो चुकी है। उनकी बेटी जेन की 7 साल पहले मौत हो चुकी है। उसके बाद ही वो बीवी से अलग होकर हेलन के साथ रहने लगा। रॉबर्ट झूठ क्यों बोलेगा? मुझे नहीं मालूम, वो शायद ये सब इसलिए कह रहा है कि एलिसा भी मेगन जैसी दिखती है। हाँ बात तो अजीब है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खतरनाक है। जानते हो उसने मुझे धमकी दी। क्या कहा उसने? धमकी दी तुम्हें? कैसे? वो मेरे कुछ सीक्रेट्स जानता था, कुछ बड़े ही पर्सनल सीक्रेट्स। मुझे नहीं पता वो कैसे जानता था। उसने मुझे एलिसा से दूर रहने के लिए कहा था। उसने मुझसे भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया।
जोडी, हैप्पी थैंक्सगिविंग ओलिवर। हैप्पी थैंक्सगिविंग। तो आज क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं रॉबर्ट के घर जा रही हूँ उनकी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मनाने। उनकी बेटी आज आ रही है और आज उसका बर्थडे भी है, तो मैं उसके लिए केक बना रही हूँ। हैप्पी थैंक्सगिविंग ओलिवर। हैप्पी थैंक्सगिविंग। तो आज क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं रॉबर्ट के घर जा रही हूँ उनकी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मनाने। उनकी बेटी आज आ रही है और आज उसका बर्थडे भी है। करीब मत आना। तुम हत्यारे हो, तुमने मैगन को मारा है, तुमने अपनी बहन की जान ली है। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है स्वीट हार्ट। मैं मजबूर था, तुम्हारी आंटी हेलेन सब बर्बाद करने वाली थी, इसलिए उसे ठिकाने लगाना जरूरी था। और मेगन की कहानी लंबी है। दूर रहो मुझसे, मुझसे दूर रहो। अभी अभी तो घर आई हो जेन, आपस में झगड़ा करने के पहले थोड़ी देर आराम तो कर लो। माय गॉड, उस वाइन में तुमने कुछ मिलाया था ना? इसी में तुम्हारी भलाई है जेन। जेन नहीं हूँ। अरे नहीं, तुमने
हे कैसी हो बिटिया, तुम जाग गई? सॉरी मैंने तुम्हारे बिना ही खाना शुरू कर दिया, मुझे थैंक्स गिविंग डिनर बहुत पसंद है। तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हें तैयार किया है तुम्हारे बर्थडे के लिए, अब कहीं जाना मत। ओके हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं, वो अभी भी मेरे पास ही है, वो जोडी। वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं अभी आता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जेनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जल्दी से विश मांगो और कैंडल्स फूंक दो, पर मुझे विश बताना मत वरना पूरी नहीं होगी। सुन नहीं पाओगे मेरी क्या विश है। तुमने क्या कहा जेन? मैंने कहा शट अप, चालाकी नहीं, याद है ना? म्याऊ म्याऊ। ओके चलो मांगो विश और बुझा दो कैंडल्स को। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। रॉबर्ट, रॉबर्ट खोलो दरवाजा। ऑलिवर यहां आ गया, अगर तुमने एक भी लफ्ज कहा तो वो मरेगा। रॉबर्ट, रॉबर्ट दरवाजा खोलो, इस दरवाजे को खोलो रॉबर्ट। जेन, जेन रुको, जेन 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 ये दरवाजा खोलो जल्दी। कम ऑन जेन, तुम जब भी चाहो इमरजेंसी बटन दबा सकते हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा वो काम नहीं करता। हिलना मत, दरवाजा बंद कर दो। रॉबर्ट एलिसा कहाँ है? और तुम्हारा मतलब जेन, वो यही है। ए जेन, जेन बेटा देखो तुम्हारा दोस्त आया है, बैठ जाओ। अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ जेन, वरना तुम्हारे इस दोस्त के साथ बहुत बुरा हो सकता है। मैं आ गई जेन बेटा। रॉबर्ट वो जेन नहीं एलिसा है। जेन और मैं अब नॉर्थ ट्रिप पर जाएंगे, हमें बहुत दिनों से उसका इंतजार था। जानती हो अपनी फेवरेट ड्रेस में तुम बिल्कुल अपनी पासपोर्ट फोटो जैसी लग रही हो। मैंने तैयारी कर ली है और हाँ तुम्हारे कपड़े भी पैक कर लिए हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया डैड, लेकिन हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें इतना भी याद नहीं वो छोटा सा कैबिन वैंकूवर के नॉर्थ में? बचपन में वहां तुम्हें कितना मजा आता था। हाँ सही कहा। एलिसा और तुम ओलिवर, अब तुम अपने लिए ग्लास भर के व्हाइट वाइन डालोगे ताकि जब उन्हें तुम्हारी लाश और तुम्हारा लिखा सुसाइड नोट मिलेगा और साथ में यह भी लिखा होगा कि तुम ही ने मारा है मेगन और हेलेन को, तब तक हम तो गायब हो चुके होंगे। डैडी। हाँ बेटा। आपने मेगन को क्यों मारा? उसे मुझसे प्यार हो गया था, उसके प्यार में हवस थी, इसलिए उसे मारना पड़ा। मुझे लगा था कि अब मेरी जेन मुझे कभी नहीं मिलेगी,
तभी तुम आ गई। तुम भाग बैठ जाओ, जल्दी से बैठो और अपनी ड्रिंक बनाओ। बिल्कुल नहीं, तो फिर तुम गोली खाकर मरोगे। डैड। हाँ, आपने जो नेकलेस दिया था वो बहुत अच्छा है। गुड जेन, वो कहाँ रखा है? ये देखिए। नहीं, नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मेरी जेन से दूर रहो। तुम ठीक हो? तो फिश टैकोस के लिए एक्साइटेड हूँ? बिल्कुल है। अलिसा, हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, I'm sorry. हाँ, चलो हम टैकोस खाते हैं। ओके। मैं जोड़ी के लिए भी एक टैको ले जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, उसे फिश वैसे भी बहुत पसंद है, उसे अच्छे लगेंगे। कितने ले? हाँ क्यों नहीं, दो ले चलते। ओके। If I die, would you jump?